मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम फिर से आए हैं आपके लिए जीवन की एबीसीडी लेके। और आज का हमारा अल्फाबेट है सी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सी फॉर कंप्लीट, ऐसे ही आज मैं बता रही हूँ सी फॉर कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। मैं दो छोटी छोटी स्टोरी से आपको ये बात बताना चाहूंगी। एक गांव में आग लग गई, सभी लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। कोई बाल्टी भरकर पानी डाल रहा था, कोई रेत डाल रहा था, कोई कंबल से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। एक बुढ़िया माई दूर खड़ी हुई थी। जब उसने देखा कि इतनी आग लगी हुई है, तो उसके हाथ में एक थोड़ा मुड़ा स्टील का गिलास था। उसने वो गिलास लिया और वो जाकर बाल्टी से उसमें स्टील के गिलास में पानी भरती और आग पे डालने की कोशिश करने लगी। यह देखकर कुछ लड़के जो वहां खड़े थे उनसे रहा ना गया और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, क्या तुम्हारे ये एक गिलास पानी डालने से ये आग बुझेगी? बुढ़िया बाई ने बड़े प्यार से उन्हें देखते हुए कहा और उस लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा, ये मुझे भी पता है कि इस मेरे एक गिलास पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब इस गांव में आपका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे कंट्रीब्यूशन थोड़ा हो या ज्यादा, ये मत सोचिए कि जब मेरे पास बहुत होगा तभी मैं इस देश को कुछ दे पाऊंगा, इस समाज को कुछ दे पाऊंगा, अपने पड़ोसियों को कुछ दे पाऊंगा। जितना भी है उसमें से कुछ भी निकालिए और इस देश को, इस समाज को, अपने आसपास के लोगों को दीजिए। यहाँ बात ये नहीं है कि वो बूढ़ी अम्मा जीवन में इतना सब कुछ समझ चुकी थी कि उसे लग रहा था कि मुझे कुछ देना चाहिए क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। यही बात एक छोटे से बच्चे की कहानी से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बच्चा अपनी गुल्लक लेकर पहुंचा एक आइसक्रीम पार्लर पे और उसने बोला कि ये आइसक्रीम कितने की आएगी। उस महिला वेट्रेस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं? उस बच्चे ने गुल्लक तोड़ी और उसमें 25 रुपए 25 पैसे थे। तो उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, मेरे पास 25 रुपए 25 पैसे हैं, आइसक्रीम विद चॉकलेट कितने की आएगी? उस महिला वेट्रेस ने कहा कि अगर तुम खाली आइसक्रीम लोगे तो 20 रुपए की आएगी और आइसक्रीम विद चॉकलेट लोगे तो वो 25 रुपए की आएगी। उस बच्चे ने एक बार उस महिला वेट्रेस को देखा, फिर कुछ सोचा और उसने दिमाग को घुमाते हुए बोला कि अच्छा, तुम मुझे खाली आइसक्रीम दे दो। महिला वेट्रेस बहुत जल्दी में थी, उसने उस बच्चे को आइसक्रीम दे दी और वो बच्चा आइसक्रीम ले जाके टेबल पर खाने लगा। जब उसके पास बिल पहुंचा, उस बच्चे ने उस बिल के नीचे पैसे रखे और चला गया। थोड़ी देर बाद महिला वेट्रेस वो पैसे लेने के लिए उस टेबल पे पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उस टेबल पे 25 रुपए 25 पैसे रखे थे, यानी कि 20 रुपए आइसक्रीम के और 5 रुपए 25 पैसे टिप के। वो महिला वेट्रेस हैरान रह गई कि उस बच्चे के पास वो पैसे थे कि वो आइसक्रीम विद चॉकलेट खरीद सकता था, लेकिन उसने इस चीज का ध्यान रखा कि जो वहां के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको वो कुछ दे पाए, तो उसने अपनी इच्छा को पूरा ना करते हुए सिर्फ आइसक्रीम ली और अपने चॉकलेट के पैसे उन लोगों को टिप दे दिए। जी हाँ, फिर वही बात कि कंट्रीब्यूशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इस समाज में आप कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहेंगे और आपके अंदर हमेशा ये भावना रहेगी कि आपने किसी के लिए कुछ किया, मानवता के लिए कुछ किया, और यही बात आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्कार और फिर से मिलेंगे।